हेलो दोस्तों, स्वागत है आप। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल संदीप सी टेट मास्टर में। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि मैं मैथ की क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसकी लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम लोग और पढ़ेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ नियम्स पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने 7 तक बता दिए थे शायद आपको। ठीक है, तो जैसा कि मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि ये जो नियम थे क्या थे। तो जैसा कि डिविजिबिलिटी और दो की डिविजिबिलिटी होती है, तो उसमें क्या देखते हैं कि लास्ट में जो इवन यूनिट डिजिट होती है वो हमारी इवन नंबर होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये 7 डिजिबल है। फिर उसके बाद 3 बताया था। 3 में क्या होता है, वो जो नंबर्स दिए होते हैं उनका हम टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद देखते हैं वो जो नंबर हमारा टोटल करने के बाद जो रिजल्ट में हमारा नंबर आता है, अगर वो 3 से डिजिबल हो जाता है तो हम कह देंगे वो जो दी गई थी संख्या थी वो हमारी 3 से डिजिबल होगी। फिर 4 के बारे में क्या पढ़ा था, 4 में हमने पढ़ा था कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं है ना, वो अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो जो पूरी संख्या होगी वो हमारी 4 से डिविजिबल होगी। और एक और चीज़ थी इसमें कि जो लास्ट के अगर किसी संख्या में लास्ट में 00 साथ में बन जाते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों 0 होते हैं, तो हम कह देंगे कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और 5 के बारे में हमने पढ़ा था कि 5 में क्या होता है, 5 में अगर यूनिट डिजिट जो है वो 0 या 5 होती है तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद 6 में क्या पढ़ा था, 6 में हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर दिया जाता है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 की डिविजिबिलिटी का भी रूल फॉलो करना चाहिए और 3 की डिविजिबिलिटी का भी रूल फॉलो करना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का भी रूल फॉलो नहीं कर पाता तो हम कह देंगे कि नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बारे में पढ़ा था और उसे मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो 7 के बारे में कुछ और रूल्स हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो इकाई का अंक होता है, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा मैंने बता दिया था 343 ऐसे लिखा होता है, तो हम लोग बताते हैं कि ये इस अंक को 5 से गुणा कर लेते हैं है ना, 3 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 15, और इस 15 को मैं क्या करूँगा इस बाकी नंबर में जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है 14, जो कि ये 7 से डिविजिबल है, तो मैं कह देता था कि ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके दो नियम थे, 2 वाला भी था, उसमें क्या करते हैं किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो रिजल्ट में नंबर आएगा उसे मैं माइनस कर दूंगा 34 से। जैसे ये नंबर लिया मैंने क्या किया, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया 6 आ गया। इस 6 को मैं माइनस कर दूंगा किससे, इस 34 से। ठीक है, तो कितना बन गया 28 बन गया। तो क्या देखता हूँ मैं, ये 28 जो है हमारा 7 से डिविजिबल होता है, तो मैं कह दूंगा कि ये जो पूरा नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा। इसमें दो रूल होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी देखा, एक रूल होता है कि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस नंबर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और दूसरा रूल है कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट में, जो नंबर आता है उसे इस नंबर से बाकी जो नंबर होता है यहाँ पे उससे माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर आता है उसे हम डिवाइड करते हैं 7 से, जो कि डिविजिबल हो जाएगा, जो तो हम कह देंगे कि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नंबर होते हैं और उसमें हम लोग इतना चेक भी नहीं करते हैं और तुरंत नंबर देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। जैसे इस तरह से नंबर लिख दिया जाएगा 5 5 5 5 5 5। ठीक है, ये कितनी बार लिखा है मैंने, सेम नंबर 6 टाइम लिख दिया है। तो इस तरह के नंबर भी जो होते हैं 7 से डिविजिबल होते हैं। आपको इसमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं कि डिविजिबिलिटी का आप रूल लगाने लगे इसमें, आप अगर डिवाइड करके भी देखेंगे तो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे, इस तरह के 6 बार कोई नंबर सेम तरह से लिख दिया जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो आसानी से चेक कर सकते हैं, देखिएगा है ना, 7 7 49। ठीक है, 6 5 7 9 63, 2 5 7 3 21। ठीक है, 4 5 है ना, ये आ चुका है अब ये वाला 5। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, 3 बच गया और ये लास्ट वाला 5 और आ जाएगा यहाँ पे, 7 5 35। ठीक है, तो देखिए ये देखिए हम लोगों ने देखा कि ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस तरह से नंबर कोई रिपीट हो जाते हैं 6 टाइम पे सेम नंबर, तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
टू 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 टू, कितनी बार? सिक्स टाइम। कितनी बार? सिक्स टाइम। देखिए नंबर लिखा हुआ है तो हम इसे आसानी से कह देंगे कि ये नंबर सात से भी डिविजिबल है। ठीक है, कुछ और नंबर्स हैं उनकी भी अलग पहचान है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले देखते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ इसमें। ठीक है, और जैसे कुछ नंबर होंगे ऐसे लिखा होगा 1 3 1 3 1 3। ठीक है, देखिए सिक्स टाइम लिखे हैं, लेकिन इस बार क्या है, दो अलग अलग नंबर है। जैसे पहले क्या था, जो वन था वही छह टाइम लिखा हुआ था, इस बार क्या है 13 है, वो भी तीन बार लिख दिया गया है। इस तरह के नंबर भी क्या होते हैं, सेवन से डिविजिबल होते हैं। आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, 56। ठीक है, 7 7 49 एंड 4 1। ठीक है, ये देखिए 7 9 63, तो इसमें रिमाइंडर नहीं है, यानी कि ये जो नंबर था सेवन से डिविजिबल था। इस तरह क्या और भी नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 8 1 8 1 8, है ना, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर भी सेवन से डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी, ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो बाकी हम लोग अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला नंबर होगा हमारा क्या, नंबर 8। तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। इसमें क्या होता है कि इसकी डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो नंबर होगा उसके मैं जो नंबर लिखे होंगे, इस तरह से नंबर लिखा होगा 5 8 7 3 5 9, है इस तरह से नंबर लिखा होगा और हमसे कह देगा कि बताइए ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, पहला नंबर, पहली शर्त तो यही है कि सर वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑड नंबर होता है तो वो 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो 8 से डिविजिबल होंगे वो 8 के ही मल्टीपल होंगे, यानी कि उसमें जो लास्ट की डिजिट आती है यूनिट डिजिट, वो हमेशा इवन नंबर आएगी। ठीक है, यूनिट यूनिट डिजिट भी एक अलग टॉपिक होगा, जिससे और अच्छे से आपको इसकी जानकारी हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप ऐसे समझिए कि इवन नंबर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर इवन नंबर होगा तभी वो 8 से डिविजिबल होगा, अगर ऑड नंबर आएगा तो मैं तुरंत कह दूंगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या रूल होता है, इसके जो लास्ट के तीन डिजिट होते हैं, कितने लास्ट के तीन डिजिट होते हैं, मैं सिर्फ उन्हें चेक करूंगा और मैं बता दूंगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस नंबर को मैं पूरे से 8 से ना भाग ना डिवाइड करके मैं क्या करूंगा, सिर्फ तीन डिजिट को डिवाइड करूंगा। जैसे ये मेरे सामने तीन डिजिट मैंने ले ली, तो क्या बन गया 352। कितना बन गया 352। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा 8। तो देखिए ये जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या लिख दिया, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 352 8 से डिविजिबल है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये जो पूरा नंबर है हमारा 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो पूरे संख्या में भाग नहीं देते हम लोग, सिर्फ लास्ट के तीन नंबर लेते हैं और उनमें मैं भाग दे के डिवाइड करके देख लेता हूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, और हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। और एक और नियम होता है क्या, कि किसी भी संख्या में लास्ट में तीन जीरो हो, जैसे 5 7 8 2, है ना, इस तरह से नंबर लिखा हो तो भी हम कह देंगे कि ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया था 4, उसमें क्या था, लास्ट के टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना, और 8 में क्या बता रहा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, और 4 में मैंने बताया था कि लास्ट के जो लास्ट में किसी संख्या में 2 जीरो आ जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होता है, 8 में क्या है, लास्ट के 3 जीरो आ जाते हैं तो वो 8 से डिविजिबल होता है। तो जो 4 और 8 है ये दोनों नियम लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि 4, है ना, अगर 4 का रूल फॉलो कर जाए और 2 का रूल फॉलो कर जाए तो हम कह देंगे कि ये नंबर, सॉरी इसको मत देखिएगा। ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, ये जो मैंने बताया है 8 से क्या, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग
ये नियम अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को जैसा कि नियम याद होगा, जैसे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद नंबर्स ऐड करने के बाद क्या करते हैं, जो नंबर का टोटल आता है उसे मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो मैं कह देता था कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसा रूल लगभग 3 का था, वैसा ही रूल लगभग इसमें 9 में होता है। जैसे नंबर लिख दिया जाएगा, जैसे 5 7 3 8 5 1, है ना, ये नंबर लिख दिया जाएगा और मुझसे कहेगा कि बताइए 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को लूँगा, 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 और प्लस 1। देखिए इस नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आएगा 29 आएगा, कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, 29, तो क्या 29 9 से डिविजिबल होता है, तो कह देंगे नहीं होता है। ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं होगा ये। ठीक है, दो रिमाइंडर आ रहा है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये नंबर मैं क्या कह दूंगा कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। कोई और नंबर देख लेते हैं, ठीक है, इसे देखते हैं, इस नंबर को देखते हैं, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर को टोटल करूंगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, है ना, कितना आ गया 5 4 3 9 9 3 12 12 6 18 18 9 27, कितना आ गया 27, 27, जो कि 9 से डिविजिबल होता। तो मैं कह दूंगा ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें तो 9 चेक भी कर सकते हैं, ये 9 से डिविजिबल है नहीं, कितना 5 4 3 6 9 5 4 3 6 9, ठीक है, 9 6 54, ठीक है, ये 00 हो गया। मैंने 3 उतार लिया, मैंने जब बताया था आपको याद होगा कि जब दो डिजिट साथ में उतारते हैं मैं क्या करता हूँ, एक 0 बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये 36, 9 4 जा 36, ये 00 और 9 9 1 जा 9। देखिए क्या हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें जो टोटल आया था वो जो टोटल था 29, 29 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो मैंने कह दिया ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, और ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको समझ आ गए होंगे। बाकी हम लोग इसके जो नेक्स्ट नंबर होता है 10, उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। इसका बहुत ही आसान नियम होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 बना होता है उसे मैं कह देता हूं कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 100 10, है ना, 570, कुछ भी जिनके इकाई अंक 0 होता है वो नंबर्स मैं क्या कहूँगा कि 10 से डिविजिबल है। बहुत ही आसान नियम है, आप देख भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत ही ऐसे बता सकते हैं, करने की तो ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो जिनके जिनका इकाई अंक 0 होता है उन्हें मैं क्या कहूँगा कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो बहुत ही आसान नियम है इसका। बाकी हम लोग पढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ये जो नियम है बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे इसे हम। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, नंबर्स लिखे होते हैं 5 4 3 7 8 5 1, ठीक है, इस तरह से नंबर लिखा होगा, और मुझे जो सवाल बनते हैं उसमें मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए होती है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कैसे पता करते हैं।
पहला काम हमारा वही होता है। तो मैं यही आपको पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या करते हैं, जो ये एक एक अंक को छोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। आप इसे लेंगे 1, 8, 3, 5, ठीक है। क्या किया मैंने, एक अंक इधर से लिया, छोड़ दिया, फिर गैप आया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से करना है। तो इन्हें क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। कितना लिखेंगे, 1 + 8 + 3 + 5, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। इसके अलावा दूसरा काम होता है, ये जो नंबर मैंने छोड़े हैं इन नंबर्स को भी ऐड करना है, ठीक है। जैसे कौन से नंबर, ये 5, 7, 4, ठीक है। इसके आगे अगर कोई और नंबर होता तो मैं उसे भी ले लेता, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं, हमारा काम यहाँ पे खत्म। तो क्या लिया मैंने, 5, 7, 4, तो कितना लिख देंगे, 5, 7 + 4, ठीक है। इसका टोटल कितना आ गया, 17, कितना आ गया, 17, और इसका टोटल कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो अब जो मेरे पास ये टोटल नंबर्स आए हैं, इसमें से बड़े में से, बड़े नंबर में से मैं छोटे नंबर को घटा दूंगा। हो सकता है कि इसका टोटल, हो सकता है छोटा नंबर आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इसका नंबर छोटा जाए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 17 - 16 कर दूंगा। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर क्या देखते हैं, 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या देखते हैं, 1। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है मेरे सामने, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि हमें करना क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि कब डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो एक अंक छोड़ के इनको टोटल कर लेना है। देखिए मैंने किया है 1, 8, 3, 4, 5, ये कर दिया। उसके बाद मैंने जो नंबर छोड़े थे मैंने उनका भी टोटल कर दिया, और फिर बड़े नंबर से मैंने छोटे नंबर घटा दिया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब 1 आ जाता है, या 5 आ जाएगा, 7 आ जाए, कुछ भी रिमाइंडर बचता है, तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी हो सकता है कि माइनस करने पे, हो सकता है इस तरह केस बन जाए, वहाँ नंबर बन जाए ऐसे, है ना, 22 और 11, और माइनस किया मैंने, आ जाएगा 11, कितना आएगा, 11, 11 आएगा, तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर में 11 के अलावा कोई और नंबर आते हैं, ऐसे समझिए 11 आ जाए, या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 के मल्टीपल क्या, गुणक मैंने बताए थे, जैसे 11 के मल्टीपल कौन से होते हैं, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 कौन कौन से होते हैं, 11, 22, 33, 44, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस करने के बाद कोई 11 के मल्टीपल्स भी यहाँ पे बचते हैं, तो मैं कह दूंगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है 11 की डिविजिबिलिटी की, कि इस तरह से करने के बाद मैं माइनस करता हूँ, बड़े नंबर छोटे नंबर को घटाता हूँ, और माइनस करने के बाद अगर कहीं रिमाइंडर में 11 या फिर 11 के मल्टीपल्स रिमाइंडर में बचते हैं, तो मैं कह दूंगा कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। अगर 0 बच जाता है तो 0 बच जाएगा, तब भी मैं कह दूंगा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये नियम अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। बाकी मैं इसके आगे एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे देख लिया होगा, मैं कोई दूसरा नंबर देख लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया और मुझसे कहा कि बताइए ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर वही बात, मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि मैंने रूल्स पढ़ लिए हैं। जैसे क्या किया था मैंने बताया था कि इधर से नंबर लेते हैं और एक एक नंबर छोड़ के ऐड करते हैं, तो क्या बन गया, 3 + 8 + 9 + 1, ठीक है, ये नंबर बन गया। तो इसे क्या करूँगा मैं, ऐड कर लूँगा, ऐड करने के बाद कितना बन गया, 20 आ गया, कितना आ गया, इसको ऐड कर दिया मैंने, कितना बन गया, 20 बन गया। अब क्या करते हैं, ये वाले नंबर्स भी ऐड करते हैं, तो जोड़िए आप कितना आएगा,
3 8 9 1, ठीक है, और ये जोड़ेंगे 9 6 6, 9 6 6, ठीक है, तो 9 6 6 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 21 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो देखिए ये मैंने नंबर जोड़े 3 8 9 1, कितना हो गया, 21 हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया। ये नंबर मैंने जोड़े 9 6 6, कितना हो गया, 21 हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं मैं इसे माइनस कर दूंगा ये वाले नंबर्स को, है ना, ये प्लस किए हैं मैंने, 21 आया है, और 21 में से 21 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए रिमाइंडर में, तो मैं उसे कहता हूँ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर में 0 आ चुका है तो मैं समझ गया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आप चाहें तो मैं इसे चेक करके भी दिखा सकता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं इसे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर आ गया था 0 आ गया था। तो करके देख लेते हैं तुरंत, ठीक है, ठीक है, 2 बच गया, 8 11 2 22 6, ठीक है, 9 11 6 66, 3 एंड 3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो नियम क्या है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा नियम में क्या होता है, एक एक नंबर करके छोड़ देते हैं और टोटल कर लेते हैं, टोटल करने के बाद जो दूसरे नंबर मैंने छोड़ रखे थे उनका भी टोटल करते हैं, और उन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उससे मैं छोटी संख्या को घटा देता हूँ, और घटाने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है या 11 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो मैं कह देता हूँ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो मैं कह देता हूँ ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ आया होगा। इसके बाद एक और नंबर होता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 12, वो भी समझ लेंगे, बहुत आसान होता है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 12, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसके गुणनखंड करके देखता हूँ तो क्या बनेगा, या ऐसे देख सकते हैं कि ये 4 3 12 होता है, क्या होता है, 4 3 12 होता है। तो मैं नियम यही बताऊंगा कि जो ऐसी संख्या जो 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या नियम निकलेगा, जो 4 से भी डिविजिबल हो ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो मैं उसे कह दूंगा कि वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। जैसा मैंने आपको ध्यान दीजिए, मैंने नियम बताया था किसका, 6 का, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। सेम उसी तरह का रूल मैंने 12 के लिए भी हो गया, तो 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो मैं कह दूंगा कि वो नंबर किससे, 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कोई नियम, कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये नंबर तो नहीं होगा, इसको ठीक है चेक कर लेते हैं, ठीक। तो ये नंबर मैंने लिख दिया, कि मुझसे पूछा गया कि बताइए ये 12 से डिविजिबल है नहीं, तो मैंने क्या किया, क्या बता रूल है इसका, 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो पहले बात 4 से डिविजिबल कब होगा, जब इवन नंबर होगा,
इवन नंबर है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से डिविजिबल के लिए नियम क्या था कि लास्ट के टू डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा ये 4 से डिविजिबल है 12, तो मैंने कहा 4 से तो डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है, तो मैं देख लेता हूँ 3 से डिविजिबल के लिए नियम क्या है। इन तीनों इन सब संख्याओं का टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 7 × 1 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, 13 × 2 = 15। तो ये क्या बन गया, 15 है। तो 15 आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये संख्या जो है 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, सॉरी ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। जैसे मैंने नियम बताया था कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखा, अब नियम अप्लाई किया कौन सा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने देखा कि 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं, तो मैं वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होती है। तो मैंने देखा 12 है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो मैंने कह दिया ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक किया, तो मैंने क्या देखा कि इनका जो टोटल आना चाहिए वो 15, इनका जो टोटल आना चाहिए वो क्या डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने टोटल करके देखा, 1 + 7 + 4 + 1 + 2 कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 को मैंने देखा, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 15 आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। आप लोग सामने में बहुत ही आसानी से जल्दी से इसे चेक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, और हमने देखा इसका जो क्वेश्चेंट है या कह लें भागफल है वो कितना आ रहा है, 1451, ठीक है, 1451। तो ये क्या है, 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग ने 12 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके बाद कुछ और नंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जैसे 13 है, 14 है ना, 15 है, 16, 17, ऐसे और भी नंबर हैं, लेकिन वो नंबर इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हमारे एग्ज़ाम में, तो हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा नियम ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे 13 के लिए क्या हो, 13 को उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, ठीक है, बताने को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे देख सकते हैं, जैसे उसमें 13 के बाद 14 होता है, तो 14 के लिए आप क्या कहेंगे, 2 और 7 से चेक कर लेंगे, ठीक है। जो 2 के भी रूल्स फॉलो करे, 7 के भी रूल्स फॉलो करे, तो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। 15 के लिए क्या होगा, 3 × 5, यानी कि 3 का भी रूल फॉलो करे, 5 का भी रूल फॉलो करे, तो हम कह देंगे 15 से डिविजिबल है, ठीक है। 16 के लिए क्या कहेंगे कि ऐसे नंबर्स जिनकी जो लास्ट की 4 डिजिट हो, कितनी लास्ट की 4 डिजिट हो, वो 16 से डिविजिबल हो, तो मैं कह दूंगा वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसा कि 8 का नियम था, लगभग वैसा ही है। 8 में क्या था, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, 16 के लिए क्या होगा, लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो। और ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 4 जीरो बन जाते हैं, तो उन्हें भी कह सकता हूँ कि वो नंबर 16 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आपके लिए डिविजिबिलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है, ठीक। तो कल हम लोग इन्हीं से रिलेटेड जो मैंने नंबर सिस्टम बताया, नेचुरल नंबर और ये डिविजिबिलिटी, इनसे रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाकी हमारा अगर पढ़ाया हुआ समझ आया हो या तो हमारे जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में, चैनल जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कोई राय लिख सकते हैं। बाकी चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाई, और जो हमारे भविष्य में जो एग्ज़ाम्स होंगे जैसे सीटेट और यूपीटेट वगैरह के, या किसी भी स्टेट टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम होंगे, उसमें अगर मैथ है पूछी जाएगी, तो हम लोग उन सवालों को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और प्रॉपर डेली पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। ऐसा क्या होगा कि मान लीजिए अभी आप नहीं देखते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन पहले देख लूँगा और फिर एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे कर भी लेते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होगा कि अगर आप डेली डेली कोई चीज़
पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होती जाएगी, फिर आखिर के टाइम में माइंड प्रेशराइज नहीं होगा कि तैयारी करनी है या है ना, धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। आप रिकॉल कर लीजिएगा बाकी की जो डिविजिबिलिटी मैंने बताई है, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।